क्या राम मंदिर को लेकर बीजेपी गंभीर है? अपने आप में यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब, क्या राम मंदिर को लेकर बीजेपी गंभीर है? 49% लोग बोल रहे हैं कि गंभीर नहीं है, 39% लोग बोल रहे हैं कि हाँ गंभीर है, 10% का यहां पर बहुत बड़ा अंतर है। राम मंदिर को लेकर लोगों ने यह जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी, सीधा सा सवाल आपसे, राम मंदिर को लेकर बीजेपी गंभीर नहीं है, यह मानने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है देश में, यानी कि राम मंदिर का मुद्दा फेल रहा ना आप लोगों के लिए, सिर्फ अपने हिसाब से आपने इस्तेमाल किया और बाद में छोड़ दिया। सुधांशु त्रिवेदी। चित्रा जी, मैं राम मंदिर वाले का भी जवाब देता हूं, पर पहले मैं राजीव त्यागी जी की बात का एक जवाब दे देना चाहता हूं। राजीव त्यागी जी ने अभी दो गाने बताए, मैं त्यागी जी दो गाने नहीं, राम मंदिर आपकी पार्टी के दो नारे याद दिलाता हूं कि आप कहां से कहां तक पहुंचे हैं। मैं मंदिर पे भी जवाब दूंगा, मैंने ये नहीं कहा जवाब, उसका भी जवाब दूंगा। आप लोगों ने जब इंदिरा जी 77 में सत्ता से बाहर हुई थी तो 80 में क्या नारा दिया था? इंदिरा लाओ देश बचाओ, यानी तब आपकी सोच देश बचाने तक थी। 19 साल के बाद आपने जब सोनिया जी आई तो आपने क्या नारा दिया? सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। अब सोच कांग्रेस तक आ गई। आज 20 साल बाद क्या नारा है? प्रियंका लाओ राहुल बचाओ। अरे सुधांशु, यानी हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका नारा है बेटी लाओ पार्टी बचाओ। ठीक है, अब मैं राम मंदिर के ऊपर आ रहा हूं, अब मैं राम मंदिर पे आ रहा हूं। देखिए, राम मंदिर पे मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। मैं जवाब दे दूं, मैं राम मंदिर पे जवाब देना चाहता हूं। अब मैं राम मंदिर, अरे राम मंदिर पे तो जवाब ही नहीं दिया। अरे मैं उसी का इंतजार कर रही हूं, आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हां मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। यहां पर जो भी आपका प्रश्न है वह प्रश्न पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से रखा नहीं गया है। राम मंदिर को लेकर गंभीरता का विषय मतलब मंदिर निर्माण के लिए सक्रियता से मतलब है या मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता से मतलब है, यह पूछा जाए कि राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है कि नहीं। तो अगर हम पक्ष में नहीं 39%, तो क्या ये लोग पक्ष में जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में? इसलिए प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए था पहले कि मंदिर निर्माण के पक्ष में आप किस पार्टी को मानते हैं, फिर आप ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न होना चाहिए कि उस पक्ष के बाद आप उसकी सक्रियता को या को कितनी गंभीरता से लेते हैं, तब मुझे लगता है ज्यादा बेहतर उत्तर आता। आप बता रहे हैं कि सक्रियता वर्ड आपने कहा है ना, गंभीरता, इसमें पक्ष वाला पक्ष जो है वो उभर के नहीं खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब हमने लिया है जनता से। लेकिन मैं पहले चाहूंगी, आपकी गंभीरता राम मंदिर पर सवालों के घेरे में है, कुल मिलाकर जनता अब इस बात को कम से कम मानने लगी है। राजीव जी जल्दी से उसकी बात में सुधांशु जी, जी, जी आप मुझे समय देंगी। राजीव त्यागी जल्दी से। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक सहा सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुलसीदास के इस दोहे को जीने का कार्य किया है। मेरे मित्र, हमने कभी नहीं कहा था सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन हम तो भक्ति में लीन रहे। हमने तो हर वो कार्य किया जो अदालत ने आदेश दिया, उसका अदालत के आदेश को मानने का कार्य किया। हमने अगर नींव रखी तो माय डियर फ्रेंड, शिखर पर आप खामोश क्यों? हमने अगर 24 राज्यों में गाय की हत्या बैन की तो पूरे देश में गाय की हत्या पर बैन करने पर आप खामोश क्यों? हमने अगर पार्लियामेंट से सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया तो आप खामोश क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदू कोर्ट बिल हम लेकर के आए तो आप मुस्लिम कोर्ट बिल लेकर के आए और हिंदू महिलाओं के बारे में खामोश क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं मेरे मित्र कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कांग्रेस ने कार्य करने के बाद भी कभी वोट नहीं लिया भावनात्मक मुद्दों पे। चलिए, बहुत वाहवाही आपने लूट ली अपने लिए। ठीक है राजीव त्यागी, बेटा सोतेला बेटा, इसने मां गंगा को साफ नहीं किया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।